तो जैसा आपने स्क्रीन में देखा इतने सारे कमेंट, मतलब कल परसों मैंने ये स्क्रीन पे आपको जो वीडियो दिख रही है ये वीडियो डाली कि इंस्टाग्राम में बोनस आ चुका है, तो इस पे इतने सारे कमेंट आए जो आपने स्क्रीन में भी देखे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको रील बोनस कब मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमको क्रिएटर अकाउंट चाहिए या हमको बिजनेस अकाउंट चाहिए, ये वाला डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए, क्रिएटर अकाउंट चाहिए या दोनों में से कौन सा चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि कितने डॉलर का थ्रेशोल्ड होने वाला है, जो रील प्ले बोनस आपको मिला है उसमें कितने डॉलर का थ्रेशोल्ड होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है उसके ऊपर भी बात करेंगे, कौन सी डेट पे इसका पे आउट होने वाला है, जैसे यूट्यूब में एक डेट फिक्स है वैसे इसका कौन सी डेट पे आउट होने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने रील प्ले वाली जो जिस वीडियो से आपने कमाई की है अगर वो रील वीडियो को आपने डिलीट कर दिया तो उसके बाद आपका क्या होगा, क्या जो रील वीडियो डिलीट हो गई है उसका पैसा हमको मिलेगा या जो पैसा मिल गया उसका क्या होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस टाइप के रील वाले कंटेंट को हम उसमें डालेंगे कि उससे हमको बोनस मिलेगा, और कौन सा टाइप का कंटेंट जो हम बना रहे हैं उसमें हमको रील बोनस नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी अच्छे से बात करेंगे कि कौन से कंटेंट पे आपको बनाना है कौन से कंटेंट को नहीं बनाना है ताकि आप भी रील बोनस कमा सको। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें या हमको क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, अपडेट कर लिया, हमने रिपोर्ट कर दी, हेल्थ सेंटर में चले गए, हमको क्रिएटर अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, सारे मैंने जो अभी जितनी सारी चीजें आपको बताई है ना सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, ये कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरे दोस्त। मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो की जरूरत पड़ेगी, तो वीडियो को पूरी एंड तक देख लेना। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि रील बोनस क्या है या रील मोनेटाइजेशन क्या है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है ना ये वीडियो आप चेकआउट कर लो, इस पे बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया इसीलिए मैं इसका ये पार्ट टू बना रहा हूँ, इसको आप पार्ट टू भी बोल सकते हो। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। इस वीडियो को मेरे दोस्त बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि एक एक पॉइंट जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ना वो शायद आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो सर्च करके देखनी पड़ेगी कि मेरे को ये क्या हो गया ये क्या हो गया, सारे डाउट सारा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सारे जो मैंने पॉइंट बताए सबके ऊपर बात करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आप बस वीडियो को देखते जाओ, जितने पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में कवर किए जो क्वेश्चन किए आपको सबको आंसर आपको मिलते जाएंगे वन बाय वन, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। बोनस का फीचर क्यों लाया गया ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे क्रिएटर है जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं यूट्यूब की तरह इंस्टाग्राम से भी, तो इंस्टाग्राम ने रील बोनस का जो फीचर लेके आया वो काफी अच्छा बोनस है, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। अब इसमें लोग सोचेंगे कि पैसे कैसे क्या मिलेंगे क्या, तो भाई मेरे भाई जितने आपके रील प्ले ज्यादा होंगे ना उतने आपके पैसे ज्यादा होंगे, जितने आपके रील वीडियो पे व्यूज ज्यादा उतने ज्यादा आपके पैसे बनेंगे। वहां जो मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड वाला क्या सीन है, तो मेरे दोस्त जैसे मान लीजिए अगर आपने 30 दिन में आपका वहां पे टारगेट दिया हुआ है कि $300 आपको बनाने, जो जैसे आज आपको ये फीचर मिला है, ठीक है आगे बताएंगे क्यों नहीं मिला क्या नहीं मिला, जो क्वेश्चन मैंने पुट आउट किए ना सबके आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है बस वीडियो आप देखते जाइए। तो उसमें क्या जैसे मान लीजिए आपके $300 का दिया है कि 30 दिन में आपको $300 बनाने आपको मिल जाएगा, तो अगर आपके 99 बने 30 दिन में तो आपको नहीं मिलेगा, वो अगले महीने आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर $100 आपके 10 दिन में कंप्लीट हो गए तो 100 के ऊपर जितने भी होंगे ना, चाहे 101 102 103 जितने भी होंगे वो 30 दिन के बाद में अगले महीने की 21 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 5 वर्किंग डेज का टाइम आप ले सकते हो, जैसे 21 तारीख से 25-26 तारीख का टाइम होगा, जैसे यूट्यूब में 21 तारीख है जो अगर जैसे अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में अगर आपने $100 से ज्यादा बना दिए तो नवंबर की 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपको पेमेंट मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया की जो बात करें वो यूएस के लिए जो है वो 18+ दिया हुआ है कि अगर आप यूएस के कंटेंट क्रिएटर हो तो 18+ आपकी एज देनी चाहिए। इंडिया के लिए अभी पर्टिकुलर कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप यूएस के क्रिएटर हो तो आपकी एज जो क्राइटेरिया वो 18+ होना चाहिए। इंडिया के लिए भी कोई भी स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि 18+ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर ऐसे भी जो 15-16 साल के हैं उनको भी बोनस फीचर मिला है और कुछ 18+ है उनको भी मिला है। मेरे दोस्त जो इसका क्राइटेरिया है ना वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, मतलब पर डे उसकी कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है, नई चीजें इंस्टाग्राम ऐड कर रहा है। तो मैं आपको एक ही राय दूंगा, अगर आपको आज मिल गया ना आज ही से इस पे काम करना शुरू करो क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे जाके चेंजेस होने वाली है। स्टार्टिंग में जो चीज आती है ना उसका जितना जल्दी फायदा उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि जब यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी स्टार्टिंग में आया था बहुत सारे लोग, जब जियो नहीं आया था जियो के पहले जितने क्रिएटर थे वो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, ना 4000 घंटे चाहिए थे ना 4000 सब्सक्राइबर चाहिए थे। तो अभी इसमें भी कुछ ऐसा ही सीन है, जितना आपको मिल गया ना आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। लैंग्वेज की जो हमने बात की थी कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये अभी सारी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है मेरे दोस्त, ये इंग्लिश में भी फिलहाल अवेलेबल है लेकिन आने वाले टाइम में सारी लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया जाएगा। बोनस प्ले के जो काउंट है, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जो रील हमारी फेसबुक पे जो प्ले काउंट हो रहे हैं जो इंस्टा में रील के प्ले काउंट हो रहे हैं क्या वो दोनों काउंट होंगे, बिल्कुल सही मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही हो, आपके जो फेसबुक के जो प्ले काउंट है वीडियो के और जो आपके रील के इंस्टा के जो प्ले काउंट है वो दोनों आपके काउंट होंगे उसमें प्ले बोनस में, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि मेरे यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, वो दोनों के काउंट होंगे। इंस्टाग्राम ने एक चीज क्लियर बताई है कि जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो इंस्टाग्राम कभी भी एक्सपायर कर सकता है, कि जैसे आज एलिजिबिलिटी ये दी गई है तो कल वो एलिजिबिलिटी को इस एलिजिबिलिटी को एक्सपायर भी कर सकता है, नई
एलिजिबिलिटी भी लगा सकता है क्योंकि अभी टेस्टिंग मोड में नया फीचर है तो उसके हाथ में, देखो वो लेके आ रहा है तो उसके हाथ में, लेकिन आपको वो सब पे ध्यान नहीं देना है मेरे दोस्त, आपको ज्यादा से ज्यादा रील बनानी है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। अगर आपको रील फीचर मिल गया, आपके आज $5 और कल सुबह आप देखोगे तो भी $5 रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त। 24 आवर्स का इंस्टाग्राम ने टाइम लिया कि 24 आवर्स में जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जो भी आपका थ्रेशोल्ड का काउंट है, जो डॉलर का काउंट है, वो 24 घंटे में अपडेट कर देगा। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे बार बार पूछा गया कमेंट बॉक्स में, इंस्टा कमेंट में और डीएम में, सब जगह एक ही क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, वो है मेरे दोस्त कि क्रिएटर अकाउंट चाहिए या बिजनेस अकाउंट। तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन है, मैं आपका क्लियर कर दूं कि उन्होंने बोला है कि आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड दोनों को बोलते हैं, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट है चाहे क्रिएटर अकाउंट है, दोनों में आपको मिलेगा, दोनों में, चाहे बिजनेस है चाहे क्रिएटर है, दोनों में मिलेगा क्योंकि दोनों प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, दोनों में आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा बिजनेस है तो मुझे नहीं मिलेगा, मेरा क्रिएटर है तो नहीं मिलेगा, दोनों को मिलेगा, चाहे बिजनेस हो चाहे क्रिएटर, लेकिन आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। बस आपका प्राइवेट अकाउंट होगा तो आपको नहीं मिलेगा, पब्लिक अकाउंट होगा तो नहीं मिलेगा, आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो क्रिएटर में हो चाहे बिजनेस में हो। जैसे ही आपको मोनेटाइजेशन वाला फीचर या मिल गया, बोनस वाला, रील बोनस वाला, तो आपको 30 दिन तक इसमें जम के काम करना है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें अभी यही है कि आपको 30 दिन के लिए मिलेगा, जो डॉलर आपका है वो 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है, चाहे उतना नहीं हुआ, $100 जैसे आपका 300 है, 100 से प्लस हो गया तो आपको मिल जाएगा 30 दिन बाद में, क्या आपके पास 60 दिन 90 दिन का टाइम पीरियड बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी स्टार्टिंग में सीन यही है कि 30 दिन का आपको मिल रहा है, तो 30 दिन में आप जितना फायदा ले सकते हो, जितनी रील डाल सकते हो, जितना आप उससे पैसा कमा सकते हो, कमा लीजिए। अब जो मैंने बताया था कि आपने अगर रील वीडियो को डिलीट कर दिया है तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई वीडियो, आपकी वीडियो पे, जैसे आपकी वीडियो पे 10,000 20,000 कोई भी बहुत सारे व्यूज हैं, $50-60 आपकी वीडियो से बन गए मान लीजिए, और आपने अगर वो रील वीडियो डिलीट कर, मतलब आपके $50-60 वहाँ पे दिख रहे हैं, रील वीडियो भी दिख रही है, अगर आपने रील वीडियो डिलीट कर दी तो उससे जितने प्ले आए थे, जितने पैसे मिले थे, वो यहाँ पे आपके जो रिसीव हुए हैं वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, वो काट लिए जाएंगे। अगर आपकी रील वीडियो आपने डिलीट नहीं की, उससे जितने पैसे बने वो, और 3-4 वीडियो के बना के अगर जितने डॉलर बने उसमें से एक वीडियो भी आपने डिलीट कर दी, उससे जितना पैसा बना था वो पैसा वहाँ पे काट लिया जाएगा। तो कोशिश ये करो कि जिन वीडियो से अच्छा खासा पैसा बना है उनको डिलीट ना करो। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वीडियो है या कौन कौन सी चीजें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है। अगर आपने कोई भी वीडियो डाली और आपने कहीं से वीडियो उठा के डाल दी या कहीं से डाउनलोड करके डाल दी और उसका जो राइट होल्डर है उसने अगर उस पर क्लेम डाल दिया और बोल दिया कि ये वीडियो मेरी, इसने उठा के यहाँ पे डाली है, आपके ऊपर क्लेम आ गया राइट जो होल्डर है उस वीडियो का उस पर, तो आपकी वो वीडियो वहाँ से हटा दी जाएगी और शायद आपका मोनेटाइजेशन जो रील प्ले वाला फीचर आपको दिया गया है वो भी आपसे छीन लिया जाए। तो इसके ऊपर मेरे दोस्त ये चीज़ मत करना कि कहीं से उठा के डाल दो, आपका रियल कंटेंट होगा उसी में आपको पैसा मिले। अगली जो चीज़ आती है एलिजिबिलिटी में वो ये है कि मान लीजिए आपके ऊपर स्ट्राइक आई हुई है और आपको लगता है कि ये स्ट्राइक गलत आई है, तो आप इंस्टाग्राम में अपील कर सकते हो कि ये स्ट्राइक गलत आई हुई है। अगर आपने उसके लिए अपील किया, आप अगर वो चीज़ जीत जाते हो तो आपकी जो रील है वो मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल रहेगी, और अगर आप हार जाते हो वो चीज़, आप वो इंस्टाग्राम को प्रूफ कर देता है कि आपकी जो रील थी वो नहीं है इसके लिए राइट, तो आपकी जो रील प्ले थे वो आपके वहाँ पे काउंट नहीं होंगे और वो मोनेटाइजेशन के लिए आपकी रील एलिजिबल नहीं रहेगी। तो स्ट्राइक वाली चीज़ भी आपको देखनी है। अगर आप अपील करते हो, जीत जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं जीतते हो तो आपके ऊपर इश्यू हो सकता है। इसके बाद दो चीज़ें और हैं जो मिसलीडिंग होता है और जो इनऑथेंटिक न्यूज़ होती है, उनके बारे में अगर आप बात करोगे, लोगों को मिसलीड करोगे, मिसगाइड करोगे या फिर इनऑथेंटिक कोई भी न्यूज़ दोगे तो भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी को छीना जा सकता है, आपकी मोनेटाइजेशन को कैंसिल किया जा सकता है, आपके रील प्ले फीचर को भी वापस लिया जा सकता है। ये चीज़ है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा फीचर, मुझे कब मिलेगा। तो इसके लिए मेरा दोस्त ऐसा सीन है कि अभी ये जो चीज़ है वो रोल आउट हो रही है एक एक लोगों के पास में। बहुत सारे आर्टिकल में अभी ये भी नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया में ये फीचर आ गया, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप मेरा कमेंट बॉक्स जाके देख लो, आसपास के लोगों के पास अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारे लोगों के पास ये वाला फीचर आ चुका है। मैंने जो पहले वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको मेरे अपने दोस्त की स्क्रीनशॉट लेके भी आपको दिखाया है कि उसको ये फीचर मिल गया, आपको कैसे अप्लाई क्या करना है, वो सारी वीडियो में आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये जो फीचर है ना, अभी बहुत सारे लोगों को रोल आउट नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को हो भी गया, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ। इसने इंस्टाग्राम में एक चीज और डाली है कि जो ब्रांडेड कंटेंट है उनके लिए अभी के लिए एलिजिबल नहीं है ये वाला फीचर, क्योंकि ब्रांडेड जो कंटेंट होते हैं, जो ब्रांडेड कंटेंट बनाते हैं, जो ब्रांडेड लोग हैं, उनके तो ऑलरेडी मिलियन में बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं छोटे क्रिएटर को सपोर्ट कर रहा है जिनके कम व्यूज आते हैं। क्या थे जो ब्रांडेड लोग हैं जिनके मिलियन वगैरह व्यूज आते हैं, तो आप खुद सोचिए अगर $800,000 व्यू पे अगर $1 भी दे रहा है तो उनके तो मिलियन में डेली व्यूज आते हैं, वो तो $500,000 डेली के कमा लेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इंस्टाग्राम का साइज अलग हो सकता है। अभी उसने ये लिखा है कि ब्रांडेड जो कंटेंट है उसके लिए ये वाला फीचर एलिजिबल नहीं है। ये जो छोटे कंटेंट क्रिएटर है, जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जिनकी रीच उतनी नहीं जा पा रही है, जिनको पैसा भी कमाना है, इस टाइप के जो कंटेंट क्रिएटर है उनको ये बहुत सारा फीचर मिल रहा है। तो मेरे दोस्त कहीं भी टेंशन मत लो, कहीं भी ये चीज़ मत लिखो लोगों को कि मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जल्दी आपके पास ये फीचर मिल जाएगा। इवन आप मानोगे नहीं,
अभी तक ये मेरे पास फीचर नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता, मेरे पास भी नहीं है। जो मैंने दिखाया था पुरानी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में, मैंने अपने दोस्त के दोस्त से स्क्रीनशॉट लिए थे, आपको दिखाए थे, उसको मिल गया था, तो उसको मिल गया है। उसके तो नॉर्मली 500,000 फॉलोवर ही है मेरे दोस्त। तो आप फॉलोवर वाला भी क्राइटेरिया मत सोचो कि मेरे कम फॉलोवर है, मेरे कम व्यूज आते हैं। अगर आपके कम व्यूज है, कम फॉलोवर है, तो भी आपको ये फीचर मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इंस्टा ने अगर रोल आउट किया ना, तो ये फीचर मिलेगा, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे एक घंटे बाद मिले। बस इंस्टाग्राम को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, बार बार अपना जो डैशबोर्ड है वो चेक करते रहो। जैसे ही आपको ये फीचर मिलता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता देना कि भाई मेरे को मिल गया है। आप कमेंट बॉक्स, जो पहले वाली वीडियोस का कमेंट बॉक्स देख लो, बहुत सारे लोगों की यही कमेंट है कि हमें मिल गया है, हमें $300 मिल गया, हमें $200 मिल गया। बहुत सारे लोग इससे पैसा कमाना शुरू भी कर दिए। तो अगर आपको नहीं मिला ना, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, एक दो दिन वेट करो या एक हफ्ते का लास्ट वेट कर लो, आपके फोन में भी अपडेट आ जाएगा। जैसे ही आपके पास आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे आके जरूर बताना कि ये फीचर मुझे मिल गया है। और अगर आपको मिल चुका है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो। और भी अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका वहाँ पे जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है, तो मेरे दोस्त को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए।